बिट्टू को बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा कराना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अगर उनके इशारे पर वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक दिन बाद शिवसेना के भी विधायक का एक वही बयान आता है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ऐसे परिवार पर इस तरह का आरोप मढ़ना, जो खुद राहुल जी के पिताजी आतंकवाद के शिकार हुए, उनकी दादी आतंकवाद की शिकार हुई, और ऐसा परिवार से वो आते हैं जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण में सबसे बड़ी भूमिका रही। और राहुल गांधी जी लगातार डेढ़ दशक से देश में जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव में उनकी कमजोरी आई, परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, तो इस तरह का लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश से बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी पर ये आरोप वापस लेना चाहिए, और नहीं अगर करते हैं तो बिहार कांग्रेस जहां कहीं भी बिट्टू होंगे वहां 101 कार्यकर्ता उनको घेरेंगे।